नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म मान्यताओं में सूर्य देव को जल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य देव को एकमात्र ऐसा देव कहा गया है जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उनकी पूजा का फल अन्य देवों की पूजा की अपेक्षा बहुत जल्दी दिखाई देता है। वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा होती आ रही है। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण तथा अन्य कई पुराणों में भी सूर्य देव को जल चढ़ाने की महिमा का गुणगान मिलता है। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु जब श्री राम का रूप धारण कर धरती में अवतरित हुए थे, तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य देव को जल अर्घ देकर ही किया करते थे। दरअसल सूर्य देव के दर्शन साक्षात होते हैं, यही कारण है कि इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। स्वयं ज्योतिष में भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति के कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को पिता या ज्येष्ठ का दर्जा दिया गया है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो या उनका ताप अधिक हो, तो उसे सूर्य देव को नियमित जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित जल चढ़ाने के बावजूद भी व्यक्ति को फल नहीं मिल पाता। इन हालातों में लोगों का उपायों से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वह उपाय सफल नहीं हो रहा है, या फिर आपका तरीका सही ना हो। लेकिन आज हम आपको सूर्यदेव से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, साथ ही आपके दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे, और साथ ही आपकी सफलता का प्रकाश सूर्य के किरणों के समान ही चारों तरफ फैलेगा। तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद तांबे के पात्र में साफ जल भर लें। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर मिला लें। उसके बाद थोड़े से फूल, मिश्री और अक्षत इसमें डाल लें, अक्षत यानी कि चावल। इसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम करें, और जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो ओम सूर्याय नमः इस खास मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद दोस्तों सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार मेरी सफलताओं का प्रकाश भी चारों तरफ फैलाएं, और मेरे दुश्मन भी मेरे मित्र बन जाएं। ऐसा हर रोज करने से दोस्तों आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा, और आपको हर कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय सूर्यदेव।